भाई सब लोग आ जाओ शुरू करते हैं यहाँ पे एयर फोर्स का एयर फोर्स का जो है सेकेंड पेपर आप हम शुरू करने जा रहे हैं और आप सभी का स्वागत है पेपर के यूट्यूब चैनल में यहाँ पर जो सेकेंड पेपर है वो आपका तीस प्रश्न का रहने वाला है ठीक है तीस प्रश्न इसमें आएंगे और तीस प्रश्न में लगभग आठ से नौ प्रश्न आपके जीएस से रहने वाले हैं बाकी मैथ और थोड़ी सी आपके जो है इसमें रीजनिंग भी इंक्लूड है ठीक है तो इसका जो एयरफोर्स वाला पेपर है उसका जो पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे दिया हुआ है आप प्रत्येक प्रश्न को नोट करेंगे पढ़कर उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे और अगर ये आपको प्रैक्टिस सेट डाउनलोड करना है तो आप पेपर हैकर कर यूट्यूब चैनल जो लिंक आ रही है सामने इस पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और भी जो है स्टडी श्टे, मटेरियल इस पर पड़ा हुआ है एम ए बी ए वगैरह वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है ब्रिक्स देशों द्वारा कौन सा बैंक चीन में स्थापित किया गया है आपको पता होना चाहिए ब्रिक्स देश क्या है और इसके द्वारा कौन सी बैंक जो है चीन में स्थापित की गई है और ब्रिक्स का कार्य क्या है ठीक है तो यहाँ पर जो ब्रिक्स रहने ब्रिक्स होता है उसकी क्या है फुल फॉर्म? बी आर आई सी एस ये क्या है ब्रिक्स ठीक है ये क्या है ब्रिक्स इसी को क्या बोलते हैं ब्रिक्स इसमें कौन कौन सी कंट्री आते हैं इसमें आता है ब्राजील रसिया इंडिया चाइना और साउथ अफ्रीका यानी कि ये कंट्री क्या है ब्रिक्स में आते हैं इन कंट्रीज़ की एक खासियत है कि इनकी जो मुद्रा है उसे फाइबर करेंसी बोलते हैं फाइबर करेंसी का मतलब इन सभी की जो मुद्रा है वो आर से शुरू होती है जैसे ब्राज़ील का रियाल ठीक है रशिया का रूबल इंडिया का रुपया चाइना का आपका हो गया रेमेन भी ठीक है रेमेन भी क्या हो गया चाइना का और साउथ अफ्रीका क्या हो जाता है रेंड ठीक है ये सब हो गए आपके ब्रिक्स कंट्री ब्रिक्स कंट्री हो गए इनके द्वारा एक बैंक स्थापित की गई है उसका नाम क्या है आपका सी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा इसको काट देते हैं ये सी ऑप्शन जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म क्या है एनडीबी एनडीबी भी इसको बोलते हैं ठीक है संघाई चीन में इसका क्या है हेड है यानी कि चीन में इसको क्या है स्थापित किया गया है नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न है हमारा इसमें आपको पूछा गया है इंटीग्रेटेड जीएसटी क्या होती है आपको बताना है कि इंटीग्रेटेड जीएसटी क्या होती है चार ऑप्शन आपके दिए हुए हैं चार ऑप्शन आपके क्या है दिए हुए हैं दो राज्यों को एक ही वस्तु पर कर लगाने की छूट क्या इसका ऑप्शन क्या पहला ऑप्शन क्या कह रहा है दो राज्यों को एक ही वस्तु पर कर लगाने की छूट सेकेंड जो आपका ऑप्शन है सेकेंड आपका ऑप्शन क्या कह रहा है दो राज्यों के मध्य व्यापार पर केंद्र कर लगाएगी यानी कि ये कह रहा है इंटीग्रेटेड जीएसटी जो होती है वो ये होती है कि दो राज्यों के मध्य जो कर लगता है वो क्या जीएसटी कहलाता है इंटीग्रेटेड या केंद्र और राज्य के मध्य न्यायपूर्ण राजस्व का जो बंटवारा होता है उसे इंटीग्रेटेड जीएसटी कहते हैं या जो दो राज्यों के बीच होने वाले कारोबार पर केंद्र जो कर वसूलेगी और दोनों राज्यों के मध्य दे बांट देगी तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इंटीग्रेटेड जो जीएसटी होती है वो ये होती है कि दो राज्यों पर केंद्र कर लगाएगी उसके बाद उन दोनों राज्यों में वो कर को डिवाइड करके बांट देगी ठीक है दोनों राज्यों के मध्य में बंटवारा कर देगी इसे क्या बोलते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कभी था आपको बताना है अमीर खुसरो जो थे वो किस दरबार के दरबारी कभी थे अमीर खुसरो किस दरबार के दरबारी कवि थे पहला ऑप्शन हो गया आपका फिरोज तुगलक सिकंदर लोदी बलवन या अलाउद्दीन खिलजी ठीक है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी अमीर खुसरो जो जब थे तो अलाउद्दीन खिलजी जो थे सुल्तान थे यानी कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो जो है थे कवि थे और इनके जो जो है जो अमीर खुसरो थे इनके साथ में और भी कभी उस समय थे ये कौन से उसमें आते हैं ये कौन से शासन में आते हैं दिल्ली सल्तनत में ठीक है दिल्ली सल्तनत का आपको क्या पता होना चाहिए कार्यकाल भी आपसे पूछ सकता है दिल्ली सल्तनत का दिल्ली सल्तनत का आपको कार्यकाल पूछेगा तो आपको क्या बताना है बारह सौ छह से पंद्रह ठीक है बारह सौ छह से पंद्रह सौ छ छब्बीस तक किसका राज रहा था दिल्ली सल्तनत का और इसका जो पहला सुल्तान था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आपको एक चीज पता होगी कि जो कुतुब मीनार है उसका निर्माण किसने शुरू कराया था तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ठीक है और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है बलवन बलवन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने रक्त एवं लोह की नीति शुरू की थी रक्त एवं लौह की नीति इन्होंने शुरू की थी कुछ अगर रक्त एवं लौह की नीति किसने शुरू की थी तो आपको बताना है बलवन ठीक है और अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कौन से कवि थे अमीर खुसरो आपका अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं आगे क्या कह रहा है भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है आपको यहाँ पे चार जनजातीय समुदाय समुदाय दिए हुए हैं ठीक है एसटी एसटी जो होता है उन्हें ही क्या कहते हैं जनजातीय समुदाय कहते हैं जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में एस दिया हुआ है ठीक है वही क्या होता है जनजातीय समुदाय कहलाता है तो उसमें क्या है भील गोंड संथाल थारू ये चारों जनजातियां आपकी आती हैं और ये चारों जनजाति कहाँ से बिलोंग करती हैं भारत से तो इन चारों में सर्वाधिक जो जनजाति है वो आपसे पूछी गई है तो जो सबसे ज्यादा बड़ी जनजाति है वो है यहाँ पर भील ठीक है हमारे भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है ठीक है आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी सर्वाधिक गहरी महासागरीय गर्त है आपको इन चार ऑप्शन दिए हुए हैं ठीक है थीके? चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपके यहाँ पे टोंगा मेरियाना टो, रिको इ, इजू बोनिन ये क्या है चारों ये महासागर की गर्त है लेकिन आपको इनमें से बताना है कि सबसे गहरी जो महा, महासागरीय गर्त है वो कौन सी है तो यहाँ पे जो मेरियाना ट्रांच ट्रेंच है ये किस में पाई जाती है प्रशांत महासागर में और ये क्या है पूरे विश्व की सबसे गहरी जो मेरियाना गर्त जो है वो पूरे विश्व की सबसे गहरी महासागरीय गर्त है ठीक है ये चीज आप ध्यान रखेंगे आगे देखते हैं आगे आपका हो जाएगा राष्ट्रपति पद पत के उम्मीदवार को इनमें से किसकी योग्यता जो का होना अनिवार्य है इसके ऑप्शन जो है वो नीचे दिए हुए हैं तो आप आसानी से एक बार और दोबारा प्रश्न को पढ़ लीजिए इसमें क्या कह रहा है राष्ट्रपति पद पत के उम्मीदवार यानी कि जो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होगा उस उसको कि क्या क्या योग्यता होनी जरूरी है ठीक है ये आपने पढ़ लिया अब नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं ठीक है थीके? इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि जो राष्ट्रपति पद पत का उम्मीदवार होगा उसके लिए कौन सी योग्यता जरूरी है इसमें पहला जो ऑप्शन है आपका वो है लोकसभा दूसरा ऑप्शन कह रहा है संसद का सदस्य तीसरा कह रहा है राज्यसभा चौथा कह रहा है विधानसभा का सदस्य तो जो राष्ट्रपति है उसको लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता होना अनिवार्य है लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है ये चीज आप ध्यान रखेंगे इसकी योग्यता होना अनिवार्य है ठीक है लोकसभा के सदस्य को होना अनिवार्य है ऐसे ही आपको अगर पूछेगा लोकसभा राज्यसभा और संसद ये तीनों किस आर्टिकल में है ठीक है अगर आपसे पूछता है लोकसभा राज्यसभा और संसद किस आर्टिकल में है तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है स र ठीक है सरला आपको याद रखनी है सरला में क्या है संसद राज्यसभा राज्यसभा आपका यहां पे राज्यसभा हो जाएगा और यहां पे ला से हो जाएगा लोकसभा इसको कहां से शुरू करेंगे आर्टिकल नंबर सेवेंटी नाइन से इसका सेवेंटी नाइन आर्टिकल है संसद का और 80 आर्टिकल आपका है राज्यसभा का और 81 जो आर्टिकल है वो है लोकसभा का अगर आपसे पूछे इनमें से कौन सा स्थाई सदन है आपको चार ऑप्शन दिए हों ठीक है लोकसभा राज्यसभा या जो है विधान परिषद विधानसभा ठीक है तो अगर इनमें से चार ऑप्शन में दिया हुआ है विधान परिषद नहीं है विधान परिषद जो है वो भी क्या है स्थाई सदन है और जो संसद और लोकसभा में संस, जो सॉरी राज्यसभा और लोकसभा में राज्यसभा आपका क्या है स्थाई सदन है ठीक है स्थायी सदन का मतलब होता है ये कभी भी भंग नहीं होता लोकसभा भंग की जा सकती है लेकिन राज्यसभा भंग नहीं होती ठीक है और राज्यसभा के जो है राज्यसभा के सदस्यों का अगर कार्यकाल अगर पूछेगा तो आपको बताना है छह वर्ष राज्यसभा के सदस्यों का कार्यबल कार्य कार्यकाल छह वर्ष और लोकसभा के अगर सदस्यों का कार्यकाल पूछेगा तो आपको बताना है पांच वर्ष राज्यसभा जो है वो उच्च सदन कहलाता है निम्न सदन कहलाता है लोकसभा ठीक है ये चीज आप नोट कर लेंगे और इसे बहुत ही ध्यान से याद कर लेंगे ठीक है नोट करते हुए आगे चलते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि बीटा ब्लॉगर एक औषधि है बचाने हेतु बीटा ब्लॉगर किसके लिए उपयोग की जाती है ये आपको बताना है पहला ऑप्शन कह रहा है हृदयघात से प्रोटेस्ट गिनती के बढ़ने के लिए इसका उपयोग करते हैं या चिरकालिक मधुमेह में इसका उपयोग करते हैं या इनमें से कोई नहीं तो इन तीनों ऑप्शन में से आपको बताना है कि जो बीटा ब्लॉकर है बीटा ब्लॉकर जो है इसका उपयोग किसके लिए करते हैं तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बीटा ब्लॉकर का उपयोग हम हृदय घात में करते हैं ठीक है हार्ट अटैक जो होता है उसमें इनपुट डिवाइस नहीं है आपको पता होना चाहिए इनपुट डिवाइस क्या होते है आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं और इनका कार्य क्या होता है तो इधर कर देते हैं आपको पता होगा दो प्रकार के डिवाइसेस होते हैं एक इनपुट एक होता है आउटपुट इनपुट का जो कार्य होता है वो होता है कंप्यूटर के लिए कमांड देने में कमांड दी जब जिस भी चीज से आप कंप्यूटर को कमांड दे सकते हैं यानी मशीन में आप अपनी बात को कहते हैं जैसे आप माउस से अपनी बात को कहते हैं आप कुछ भी सर्च करना होता है तो आप माउस से करते हैं कीबोर्ड पे आप टाइप करके अपनी बात को जो है कंप्यूटर को बताते हैं तो जो जिस वे से आप उसको कुछ भी बताते हैं है ना जिससे आप उसमें इनपुट देते हैं उसी को क्या कहते हैं इनपुट डिवाइसेस ये चीज़ आप कभी नहीं भूलेंगे अब आगे से अगर कोई चीज़ आपको वापस मिल रही है जैसे आप देख किस की तरफ रहे हैं अगर आप टाइप कर रहे हैं तो आपको बता कौन रहा है आपको बता रहा है स्क्रीन ठीक है आपको क्या बता रहा है स्क्रीन जो हो रही है वो क्या बता रही है आपको आउटपुट दे रही है ठीक है अगर आप सॉन्ग बजा रहे हैं सॉन्ग अगर आप प्ले करते हैं माउस से कंप्यूटर में तो उसकी वॉइस कौन निकालता है स्पीकर तो स्पीकर क्या हो गया आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस स्पीकर आपका आउटपुट डिवाइस हो गया गेम खेलने में जॉयस्टिक का प्रयोग करते हैं कीबोर्ड हो गया माउस हो गया इस प्रकार की ये सारी डिवाइसेस क्या हो गई इनपुट डिवाइस और जो हमें आउटपुट दे ठीक है जो हमें आउटपुट हम दे उसे बोलते हैं आउटपुट डिवाइस ठीक है तो इसमें पूछा है कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है इन चारों ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि इनमें से इनपुट डिवाइस नहीं है तो माउस क्या है माउस से भी इनपुट देते हैं स्पीकर क्या है स्पीकर से क्या इनपुट दे सकते हैं नहीं स्पीकर किसके काम आता है आउटपुट देने के स्पीकर जब बजता है तो हमें साउंड सुनाई देता है यानी कि वो आउटपुट दे रहा है जॉयस्टिक से हम इनपुट देते हैं माइक्रोफोन से भी हम बोल रहे हैं कि क्या है इनपुट दे रहे हैं अंदर कंप्यूटर के लिए इसी प्रकार से इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन स्पीकर नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है अब यहाँ से आपका शुरू होता है मैथ का सेक्शन मैथ का सेक्शन ठीक है तो अब यहाँ से हम सॉल्व करने वाले हैं मैथ के प्रश्न प्रश्न पढ़ लेते हैं दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है पंद्रह और ग्यारह इसमें क्या कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात पंद्रह अनुपात ग्यारह है यदि उनका उच्चतम उच्चतम समावर्त क्या होता है महत्तम समावर्त को उच्चतम समावर्त है? कहते हैं एच सी एफ जो कि तेरह दिया हुआ होता है दो है, पूछी है अगर इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछता है कि दो संख्याओं का अनुपात आपको दिया हुआ है पंद्रह रेशियो ग्यारह और इसमें महत्तम समावर्त यानी कि एच आपको दिया हुआ होता है तो आपको सीधे क्या करना होता है ये मान लो ए और बी दो संख्याएं हैं आपका महत्तम समावर्त क्या हो जाएगा इसके अनुपात में आप सीधे एच की महत्तम समावर्त की गुणा कर देंगे तेरह से ठीक है तो जो ए है वो कितना है पंद्रह और बी कितना है p बराबर दिया हुआ है आपका ग्यारह यहाँ पे आपको तेरह की मल्टीप्लाई करनी है यहाँ पर भी आपको तेरह की मल्टीप्लाई करनी है आप इसको यूनिट डिजिट से भी करते कर सकते हैं पाँच थी पंद्रह पाँच किस में आ रहा है लास्ट में तीन ऑप्शन में पाँच आ रहा है ऐसे ही तीन थी नौ तीन एकम तीन तीन किस में आ रहा है लास्ट में इस वाले में आ रहा है ठीक है तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं गुणा करके देख लेते हैं तेरह पंच पैंसठ के पाँच हाथ से लागे छः तेरह एकम तेरह और छः उन्नीस एक सौ पचानवे इसका क्या हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर यानी कि एक सौ पचानवे हम सीधे देख लेंगे कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है डी ऑप्शन में हमारा दिया हुआ है तो आप सीधे ऑप्शन को सही कर लेंगे अगर यहाँ पे दो जगह एक सौ पिचानबे दिया हुआ होता तो आप अगले को सॉल्व करेंगे ठीक है ऐसे ही तेरह ग्यारह की मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये हो जाएगा वन फोर थ्री यहाँ से कितना हो जाएगा वन फोर थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है अट्ठासी से भाज्य सबसे बड़ी चार अंकों वाली संख्या यानी कि ये पूछना चाह रहा है अगर हम अट्ठासी से भाग देंगे तो इन चारों में से कौन सी ऐसी संख्या है जो पूरी पूरी कट जाएगी इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास दो तरीके हैं या तो हम इसको ऑप्शन से कर लें ठीक है या तो हम इसको ऑप्शन से कर लें या फिर हम इसको क्या करेंगे जो है लॉन्ग मेथड से करेंगे तो पहले हम इसको क्या कर लेते हैं ऑप्शन से करके देख लेते हैं ऑप्शन में आपको कह रहा है वो सबसे बड़ी सबसे बड़ी चार अंकों की संख्या तो इन चारों में आपको फाइंड करनी है कि सबसे बड़ी चार अंकों की संख्या कौन सी है वो हमेशा दूसरी या तीसरी बड़ी संख्या देता है एक बड़ी होगी वो हमेशा लगभग गलत रहती है लेकिन हम यहाँ पे सभी को चेक करेंगे पहली सबसे बड़ी जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी निन्यानवे अट्ठासी ठीक है यही वाली तो हो जाएगी नौ हज़ार नौ सौ अठासी इस में हम क्या करते हैं से हम जब भाग देंगे तो वो संख्या अठासी से कटेगी इसके फैक्टर कर लेते हैं आएगा ग्यारे अठासी, अठासी होता है तो यहाँ पर अगर कोई संख्या ग्यारह और आठ दोनों से कटेगी वही संख्या ग्यारह से कटेगी ठीक है ये डिविजिबिलिटी का रूल होता है तो हम क्या कर लेते हैं इसको आठ से डिवाइड करके देख लेते हैं आठ एक आठ आठ दूनी सोलह ठीक है तीन बचे आठ आठ चौक बत्तीस ये बच्चे तीन आठ चौक बत्तीस ये आपके बचेंगे छ आठ अट्ठे चौसठ यानी कि ये वाली संख्या क्या है आठ से नहीं कट रही है इसे छोड़ देंगे अब हम देखते हैं दूसरी बड़ी संख्या कौन सी है यहाँ पे दूसरी बड़ी संख्या कौन सी दी हुई है ये वाली इसको भी आप क्या करेंगे आठ से डिवाइड करके देखेंगे आठ एकम आठ आठ दूनी सोलह सोलह और तीन उन्नीस नौ तीन बचा छत्तीस हो गया आठ दोन जो सोलह आठती हैं चौबीस आठ चौक बत्तीस ठीक है आठ चौक बत्तीस इसमें से बत्तीस घटाएंगे तो कितना बचेगा चार और यहाँ पे पीछे कितना है अड़तालीस आठ चौक बत्तीस आठ पंच चालीस आठ चौक अड़तालीस ये आठ से कट रही है ठीक है ये वाली संख्या आठ से कट रही है अब हम हम क्या कर लेते हैं इसे ग्यारह से भी डिवाइड करके देख लेते हैं तो ग्यारह से वो संख्या कटती है जिसके विषम संख्याओं का योग और सम संख्याओं का योग <laughs> जो कि क्या होने वाला है पंद्रह और ये यहां से क्या हो जाएगा सोलह और एक सत्रह सत्रह इन दोनों का अंतर ठीक है इन दोनों का अंतर क्या हो? आना चाहिए जीरो या ग्यारह इन दोनों का अंतर आना चाहिए जीरो या ग्यारह तो इसका अंतर कितना आ रहा है पंद्रह और सत्रह का दो पंद्रह और सत्रह का अंतर कितना आ रहा है दो यानी कि ये संख्या क्या है निन्यानवे अड़सठ भी जो है हमारी आंसर नहीं होगी दो ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिए अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारा बचा नौ इसको क्या करेंगे नौ इसको हम आठ से काट के देखते हैं आठ एक्म आठ आठ दूनी सोलह आठती आठती चौबीस आठ सौ बत्तीस ठीक है दो बच्चे आठ आठ दूनी सोलह आठती है चौबीस यानी कि बी ऑप्शन क्या है आठ से तो हमारा कट रहा है अब इसको ग्यारह से भी डिवाइड करके देख लेते हैं नौ और चार तेरह माइनस करेंगे नौ और चार तेरह कितना आया जीरो यानी कि यह संख्या क्या है हमारी ग्यारह से कट जाएगी ये तो हो गया आपका शॉर्ट मेथड यानी कि ये हो गया आपका ऑप्शन से सेकेंड जो मेथड है हमारा सेकेंड मेथड में आपको क्या करना है अट्ठासी से भाग्य सब भाज्य सबसे बड़ी चार अंकों वाली संख्या है, इस इसने पूछी है इसमें आपको क्या करना है सिंपल अट्ठासी लेना है और सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी चार अंकों की नौ 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 नो यही तो रो रहने वाली है नौ हजार नौ सौ निन्यानवे नौ हजार नौ सौ निन्यानवे से बड़ी कोई सी संख्या नहीं बनेगी जो कि चार अंकों की होगी ठीक है इससे ऊपर क्या हो जाएगा दस हजार अट्ठासी से इसमें क्या करेंगे हम भाग करेंगे ठीक है भाग करके देख लेते हैं अट्ठासी ग्यारह बच्चा नौ उतार लिए फिर से एक बार जाएगा फिर से एक बार जाएगा क्या कितने आ गए यहाँ पे अट्ठासी ठीक है अट्ठासी आ गए यहाँ पे एक बच्चा यहाँ पे ग्यारह में से आठ गए तो कितने बचे तीन बचे यहाँ पे हमने फिर से क्या उतार लिया नौ को उतार लिया यहाँ पे कितना बार जाएगा आपका आठ दूनी सोलह आठ तीन चौबीस आठ सौ बत्तीस आठ तीन चौबीस तीन बार आपका जाएगा तो आठ तीन चौबीस चार आ गया दो बचा आठ तीन चौबीस पच्चीस छब्बीस यानी कि दो सौ चौसठ यहाँ पे आएगा इसको जब हम घटाएंगे तो इसमें कितना बचेगा पाँच और ये दिखाई दे रहा है स्क्रीन में इसको इधर कर लेते हैं यहाँ पे कितना बच रहा है से सेस आ गया यानी कि जो संख्या है इसमें पचपन शेष आ गया अगर इसमें पचपन को हम घटा दें तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा यानी कि वो संख्या क्या है अठासी से कट जाएगी तो हम क्या करेंगे नाइन 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 में से पचपन को घटा देंगे इसमें से जब हम पचपन को घटाएंगे तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी वो संख्या प्राप्त होगी सबसे बड़ी चार अंकों की जो 88 से डिवाइड हो हो जाएगी ठीक है दूसरा तरीका ये हो गया पे पे कितना बचा यहां पे आपका बचा नौ में से पांच गया चार बचा ये चार बचा ये नौ ये नौ यानी कि नौ हजार नौ सौ चवालीस ऑप्शन नंबर बी क्या है नौ हजार नौ सौ चवालीस दोनों तरीके आप समझ गए होंगे ठीक है अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोनों तरीके आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे ठीक है अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है यहाँ पे इसमें क्या कह रहा है एक व्यक्ति है वो क्या कर रहा है एक व्यक्ति अपनी बचत में से उसने कुछ भी बचत की उसमें से दो बटे साथ खर्च करता है बचत में से क्या किया दो बटे साथ खर्च कर दिया और फिर भी उसके पास एक हजार शेष बचे उसकी कुल बचत क्या है ये कहना चाह रहा है किसी के पास दो बटे सात रुपए जो है अपनी बचत में से उसने खर्च कर दिए और फिर भी उसके पास बच रहे हैं एक हजार रुपए तो उसकी बचत क्या है इस प्रकार का जो क्वेश्चन दिया हुआ होता है तो आपको जो दो बटे सात दिया हुआ है इसी को क्या करेंगे आप दो बटे सात का मतलब क्या हुआ दो बटे सात इसमें क्या है इसको एक्चुअल वैल्यू मान लेंगे सात को एक्चुअल वैल्यू यानी कि उसकी बचत क्या मान लेंगे सात बच्चा तुम्हारी कितनी हो गई सात ठीक है उसने खर्च कितना कर दिया दो उसने खर्च कितना कर दिया दो दो बटे सात अगर उसने खर्च किया है जब ऐसे लिखा होता है तो ऊपर वाली जो संख्या होती है वो खर्च होती है नीचे वाली संख्या जो होती है वो टोटल होती है अब यहाँ से आपको पता चल गया कि सात रुपये थे उसके पास उसने खर्च कर दिए आपके दो बचेंगे कितने उसके पास पाँच प्रश्न में क्या कहा है कि उसके पास एक हजार रुपए कि जो हमारे हिसाब से पांच रुपए है इसे अगर मैं एक्स इसे आप एक्स और इसे टू एक्स अगर सरल तरीके से करना है तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं एक्स मानकर भी फाइव एक्स मानकर भी इसे कर सकते हैं तो पांच से इसे काटेंगे पांच दूनी दस ठीक है दो सौ क्या आ गया एक्स बराबर यहां से x प्रावर 200 आ गया अब वो पूछ रहा है बचत आपके हिसाब से बचत कितनी थी 7x ठीक है 7x आपके हिसाब से बचत थी यानी कि सात गुना x x की, की वैल्यू आपको पता है 200 यहां पे 200 हो जाएगी बराबर कितना हो जाएगा 1400 1400 आपका कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन ये सबसे सही तरीका है इस सवाल को करने का बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हैं ठीक है आप समझ गए होंगे अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न है हमारा अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है जब किसी संख्या के पिचहत्तर परसेंट में से पिचहत्तर का योग किया जाता है तो परिणाम पुनः संख्या प्राप्त होती है हमने मान लिया कोई संख्या है एक्स वो कह रहा है संख्या के पिचहत्तर परसेंट में इसमें संख्या का पिचहत्तर परसेंट एक मिनट संख्या है हमारी संख्या कितनी है एक्स एक्स हमने संख्या मान ली अब वो कह रहा है कि संख्या के एक्स के पिचत्तर कि, परसेंट में पिचहत्तर परसेंट निकाल दिया हमने पिछत्तर परसेंट निकाल लिया उसमें पिचहत्तर का योग किया यानी कि जोड़ा हमने उसमें कितना पिचहत्तर अब आगे क्या कह रहा है परिणाम पुनः संख्या है यानी कि संख्या क्या थी एक्स परिणाम कितना आना है परिणाम का मतलब बराबर हमारा जो आया वो आया x सिंपल है ठीक है इतना आपने अगर निकाल लिया तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे अब हमें क्या करना है सीधे इसको सरल कर लेना है पच्चीस तिया पिचत्तर पच्चीस चौका सौ यहां से हो जाएगा थ्री एक्स अपॉन फोर बराबर माइनस प्लस पिचत्तर बराबर एक्स यहाँ पे एक्स हो गया अब यहां से क्या करेंगे एक्स को सॉरी uh, एक्स ये थ्री एक्स वाई फोर को इधर ले जाते हैं पिचहत्तर को इधर ही रखते हैं तो बराबर यहां से क्या हो जाएगा एक्स माइनस थ्री एक्स वाई फोर हो गया पिचहत्तर बराबर आ गया एक्स माइनस थ्री एक्स वाई फोर यहां से सॉल्व कर लेते हैं इस वाली समीकरण को ठीक है चार आपका आ जाए यहां पे इधर कर लेते हैं ऐसे चार आपका आ जाएगा एलसीएम चार LCM आ गया यहां पे फोर एक्स माइनस थ्री एक्स कितना था 55, था यहां से 4X -3X कितना आ गया आपका x और ये चार अंदर जाएगा इधर तो चार की क्या हो जाएगी पिछहत्तर में गुणा तो x बराबर कितना हो गया पिचहत्तर गुणा चार और पिचत्तर गुणा चार कितना होता है आपका तीन सौ पिछहत्तर गुणा चार कितना होता है आपका तीन सौ तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इन चारों में से ऑप्शन नंबर बी यानी कि अगर हम तीन सौ की पिछहत्तर परसेंट में तीन सौ का पिछहत्तर परसेंट निकालें और उसमें फिर से पिछत्तर को ऐड कर दें तो वो संख्या क्या निकल के आएगी हमारी तीन सौ ही निकल के आएगी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ये हमारा क्वेश्चन नंबर आ गया तेरह तेरह क्वेश्चन में क्या कह रहा है एक आदमी अपनी आय का 80% परसेंट खर्च करता है यानी कि अगर कोई 100% परसेंट खर्च कमाता है तो उसमें से उसने क्या किया 80% परसेंट खर्च कर दिया और शेष बचाता है शेष क्या करता है बचाता है मैं अपने खर्च का कितने प्रतिशत खर्च बचाता है ठीक है आपको क्या करना है आपसे क्या पूछा है एक व्यक्ति वो कह क्या रहा है एक व्यक्ति मान हम मान लेते हैं सौ कमाता था अस्सी तो परसेंट वो खर्च कर देता है यानी कि यहां से वो कितना खर्च कर रहा है अस्सी रुपये आय कितनी है उसकी आय सौ रुपये खर्च कितना हो गया अस्सी रुपये अब आय में से मैंने अस्सी रुपये खर्च कर दिए तो जो बचेगा उसे क्या कहेंगे बचत और बचत कितनी बचेगी बीस रुपये बचत हमारी हो गई बीस रुपये बीस रुपये आपकी हो गई बचत अब वो पूछ कह रहा है अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ वो कह रहा है वे अपने खर्च का खर्च कौन सा है अस्सी रुपए और जिसका पूछता है जिसका पूछेगा उसे अपॉन में यानी कि बट्टे में नीचे लिख देंगे परसेंटेज में अगर आंसर पूछ रहा है तो अगर जो पूछता है जिससे कंपेरिजन कराता है किससे कंपेरिजन करा रहा है खर्च का खर्च से तुलना कर रहा है तो खर्च को हम नीचे रखेंगे ऊपर किसे रखेंगे कितना प्रतिशत बचाता है बचत को ऊपर रखेंगे बचत कितनी हो गई हमारी बीस गुणा कितने से करना है हमें सौ से ठीक है परसेंट ही निकालना है तो गुणा कितने से करना है सौ से अब आपको पता है जीरो से जीरो कट गया दो चौक आठ और चार से मैं सौ को काटूंगा तो पच्चीस बार जाएगा ठीक है यानी कि यहां से पच्चीस परसेंट क्या हो गया आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ठीक है सही उत्तर क्या हो गया आपका पच्चीस परसेंट बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो गया अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है अगला प्रश्न कह रहा है किसी को सौ तो वो मैंने साधारण ब्याज पर कुछ धन दिया कुछ धन कितना था मान लिया मैंने सौ रुपए दिए थे और दस वर्ष पूरे यानी कि इसे हम प्रिंसिपल अमाउंट मान लेते हैं ठीक है धन कितना था हमारा सौ रुपए पूरे होने पर दस वर्ष टाइम कितना दिया हुआ है दस वर्ष टाइम दिया हुआ है आपका दस वर्ष दस वर्ष पूरे होने पर मुझे दोगुनी राशि मिली सौ रुपए आपने दिए थे मिले कितने दो सौ रुपए यानी कि जो मिश्र धन था आपका मिश्र धन मिश्र धन का मतलब पी, प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने दिया था और उसमें क्या जुड़ा है ब्याज ये कितना हो गया सौ दिए थे दो सौ मिले तो सही तो आपको मिले यानी कि इस 200 में ₹100 आपके क्या हैं मूलधन और ₹100 आपके हो गए ब्याज के इसी प्रकार से तो हुए अब ये कह रहा है मुझे दोगुनी राशि वापस मिली प्रतिवर्ष ब्याज दर परसेंटेज क्या था वो पूछना चाह रहा है r बराबर रेट परसेंट उसका क्या था वो ये पूछना चाह रहा है आपको पता है इंटरेस्ट निकालने के लिए कौन सा फार्मूला होता है i pr पी आर टी अपॉन हंड्रेड अब सभी वैल्यू हम यहां पे रख देंगे सभी वैल्यूज को हम यहां पे रख देंगे की परेशान कर रही है एक मिनट सभी वैल्यूज को हमने रख दिया P का P की वैल्यू क्या है यहां पे? I की वैल्यू क्या है I की वैल्यू यहां पे 100. ठीक है बराबर में पी की वैल्यू कितनी है पी की भी कितनी है हंड्रेड और गुणा कितने करनी है निकालना क्या है रेट का आपको निकालना है टाइम आपको दिया हुआ है दस वर्ष बटे में कितना है सौ ठीक है इसको यहाँ से काट देंगे हम हंड्रेड से हंड्रेड कट गया इस जीरो से ये वाला जीरो कट गया तो यहाँ पे कितना बचा आर आर मतलब रेट और बराबर में कितना बचा दस यानी कि रेट परसेंट आपकी कितनी हो गई दस परसेंट यहां से हमने निकाल लिया सी ऑप्शन आपका क्या हो गया बिल्कुल राइट आंसर नेक्स्ट प्रश्न है हमारा नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि सात सौ बीस रुपए थे उसको तीन सात और चौदह के अनुपात में के अनुपात में का अनुपात से राम श्याम जदू के बीच विभाजित कर दिया यहां पे आपसे कहना चाह रहा है कि तीन लोग हैं कौन कौन तीन लोग कौन कौन है राम श्याम और जदू ये हो गया आपका राम ये हो गया श्याम और जे से डिनोट कर देते हैं जदू को जैसे हम डिनोट किसे डिनोट कर देते हैं जदू को अब इस प्रकार के प्रश्न को आपको क्या करना है आपको करना है कि राम राम को इसमें क्या दिया हुआ है इसमें तीन अनुपात दिए हुए हैं राम अनुपात ठीक है दोबारा से लिख लेते हैं मक्की परेशान कर रही है इसमें क्या है आ, तीन अनुपात सात अनुपात चौदह के अनुपात में आपको दिए हुए हैं तीन लोगों के अनुपात इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि राम श्याम और जदु इसको अलग अलग लिख लिया ठीक है राम ये हो गया श्याम ये हो गया जदू ये हो गया इसको आपने कितना मान लिया थ्री एक्स इसको हमने सेवन एक्स मान लिया और इसको आपने फोर्टीन एक्स मान लिया अब वो कह रहा है सात सौ बीस इस अनुपात में बांटे जाते हैं आपको पता होगा अनुपात का मतलब होता है जो डिवाइडेशन होता है उन तीनों के बीच में जो पैसा को बटा उसका अनुपात उसकी तुलना कि राम को अगर ती, तीन तीन रुपए मिले तो श्याम को कितने मिले सात और सात गुने उसके और जो है श्याम को अगर सात मिले तो इसको दो गुने मिले चौदह मिले ठीक है इस प्रकार से ये क्या हो गया अनुपात अगर मान लो इनमें जो है अगर इसको छह मिलते हैं तो इसको चौदह मिलते हैं और इसको अट्ठाईस ठीक है यही होता है अनुपात का मतलब अब अनुपात इतने आपको मिले अब इसमें आपको क्या करना है मान लो इन सब में कितने रुपए बांटे गए आपको पता है सात सौ बीस रुपए बांटे हुए हैं और हम हमारे हिसाब से कितने निकल, निकलना है इसको थ्री एक्स मिले इसको सेवन एक्स इसको चौदह एक्स तो ये कितना हो गया चौबीस एक्स हमारे हिसाब से कितने बटे चौबीस एक्स लेकिन वो कह रहा है सात सौ बीस एक्स तो चौबीस एक्स जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा सात सौ बीस के ठीक है यहां से आपको क्या करना है एक्स की वैल्यू यहां से निकाल लेनी है तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा दो चौबीस दूनी अड़तालीस चौबीस बहत्तर तीन इसका क्या हो जाएगा एक्स बराबर सही आंसर हो जाएगा अब आपको एक्स की वैल्यू पता चल गई अब आपसे पूछा क्या है श्याम को कितने रुपए मिले श्याम कौन सा है ये वाला श्याम की वैल्यू कितनी है सात गुणा एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ से आपको सात सौ बीस काटेंगे चौबीस तिया जाएगा ठीक है तीस तीस बार जाएगा यहां से कितना हो गया सात गुणा तीस सात दुनी चौदह सात तिया इक्कीस 21, दो सौ दस रुपये यानी कि जो श्याम था उसे कितने रुपए मिले दो सौ दस रुपए मिले ठीक है दो सौ दस रुपए श्याम को मिले इसका स्क्रीन शॉट लेना चाहें स्क्रीन शॉट ले लेंगे अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला हमारा प्रश्न है अगले क्वेश्चन में क्या है कि दो वर्गों के क्षेत्रफल के बीच का अनुपात आपको दिया हुआ है क्या दिया हुआ है नौ अनुपात एक तो उनके परिमापों परिमापों के बीच का अनुपात आपको बताना है एक चीज इससे पहले हम देख लेते हैं अगर मान लो एक चीज हम यहाँ पे प्रश्न आपका नोट कर लिया होगा आपने अब एक चीज यहाँ से हम देख लेते हैं क्या है वो दो बर्ग यानी कि दो बर्ग दिए हुए हैं बर्ग कौन से होते हैं आपको पता होगा ये वाला क्या होता है बर्ग। जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं अगर इसकी एक भुजा ए है तो इसका क्षेत्रफल क्या रहने वाला है ए इंटू ए सारी भुजाएं इसकी क्या हो जाएंगी ए और क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई लंबाई गुणा चौड़ाई क्षेत्रफल जब निकालते हैं हम तो लंबाई गुणा चौड़ाई निकालते हैं ठीक है लंबाई गुणा चौड़ाई क्या हो गई यहाँ से लंबाई कितनी है इसकी कोई सी लंबाई और कोई सी चौड़ाई आप मान सकते हैं तो क्योंकि सारी भुजाएं इसकी समान है मान लो ये वाली लंबाई है ए लंबाई हो गई और ए ही क्या हो गई चौड़ाई तो जो क्षेत्रफल हो गया इसका क्या हो गया ए स्क्वायर ए स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया अब अगर वो परिमाप पूछता है परिमाप बराबर क्या होता है परिमाप जो होता है हमारा परिमाप का मतलब साधारण क्या होता है कि अगर आप यहां पर हैं यहाँ पर खड़े हैं और यहां से यहाँ तक चले यहाँ तक चले यहां तक चले और यहाँ तक चले यानी कि जो चारों तरफ का घेराव था चारों तरफ की लंबाई थी उस सभी को अगर आपने जोड़ दिया तो आपने क्या निकाल लिया इसका परिमाप तो इसको जोड़ देते हैं ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए यानी कि फोर ए क्या हो गया इसका परिमाप चार ए इसका क्या हो गया परिमाप ठीक है दो चीजें आपको पता चल गई अगर अब एक चीज आप देखेंगे अगर मैं दो दो वर्ग हैं उनका जो है दो वर्ग दिए हुए हैं मान लो दो वर्ग दिए हुए हैं अगर उनका मैं जो है परिमाप निकालूंगा तो ए एक का आएगा फोर ए वन ठीक है परिमाप क्या होता है फोर ए वन क्योंकि हमने एक वर्ग की वजह मान ली ए वन और दूसरा वर्ग अगर दिया हुआ है इसकी ए टू मान लेते हैं इसका परिमाप कितना निकल के आएगा यहाँ से इसका परिमाप निकल के आएगा फोर ए टू क्योंकि चारों भुजाओं का योग हो जाएगा तो फोर ए टू ये ए है ठीक है ये वाला ए है फोर ए वन और फोर ए टू इन दोनों का अगर आप अनुपात निकालोगे तो चार से चार कट जाएगा यानी कि ए वन अनुपात ए टू यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर दो दो वर्गों का मैं परिमाप निकालूं परिमाप का अनुपात निकालूं तो वो वही आएगा जो उन दोनों वर्गों की भुजाओं का अनुपात है ठीक है और अगर मैं यहाँ से क्षेत्रफल दिया हुआ है और इसका मैं अंडर रूट कर दू ठीक है तो ये कितना निकल के आ जाएगा ए और ये क्या है इसकी भुजा यानी कि अगर क्षेत्रफल का मैं वर्गमूल कर दूँ तो उसकी भुजा हमें प्राप्त हो जाती है वर्ग के क्षेत्रफल का अगर हम अंडर रूट या वर्गमूल कर दें तो हमें क्या प्राप्त होता है उस वर्ग की भुजा अब यहाँ पर आपको सिंपली एकदम इस क्वेश्चन को आप कर देंगे देखते ही इसमें क्या दिया हुआ दिया हुआ है दो वर्ग दिए हुए हैं उनके क्षेत्रफल दिया हुआ है दो वर्गों का क्षेत्रफल हम ए वन अनुपात ए टू मान लेते हैं ए वन का स्क्वायर और ए टू का स्क्वायर जो कि क्या दिया हुआ है जो कि दिया हुआ है हमारा नौ अनुपात एक अब यहाँ से हमें निकालना क्या है तो उनके परिमापों के बीच का अनुपात मैं इसको अंडर रूट कर लूँ दोनों तरफ इधर भी अंडर रूट कर दूं इधर भी अंडर रूट कर देता हूँ तो ये क्या निकल के आएगा ए वन अनुपात ए टू ठीक है बराबर में आपका तीन अनुपात एक निकल के आएगा ठीक है और अगर वो परिमाप पूछ रहा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे चार ए वन अनुपात चार ए टू भी लिख सकते हैं और इसको बाद में ये कट जाएगा यानी कि इसको लिखने का कोई मतलब है नहीं तो जो सही हमारा अनुपात आएगा वो आएगा तीन अनुपात एक ठीक है थ्री रेशियो वन तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया हुआ है यहां से आपका कौन सा सेक्शन शुरू हो गया यहां से आपका जो है रीजनिंग का सेक्शन शुरू हो गया यहां से आपका सेक्शन किसका शुरू हो गया रीजनिंग का आपका सेक्शन शुरू हो गया पहला ये सत्रह नंबर क्वेश्चन यानी कि रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिखे तो आपको सबसे पहले क्या करना है आपको सबसे पहले क्या करना है इन चारों के बी सी डी जो दिए हुए हैं इनका अल्फाबेट आपको याद करना है ठीक है ये आपके मुंह जवानी याद होना चाहिए सबकी प्लेस वैल्यू जो होती है वो आपको याद होनी चाहिए अब हम सीधे क्या करेंगे यहाँ पे रख देंगे ए, ए, कितना होता है वन और जेड का ये आपको पता होगा ये भी ये भी आपको पता होगा कि ये दोनों क्या हैं अपोजिट हैं यानी कि अगर दो ये कितना है जेड 26 और ये एक नंबर पर आता है तो 26 और एक कितना हो गया 27 26 और एक कितना हो गया 27 ऐसे ही बी और वाई बी कितना है दो और वाई कितना है 25 ये भी कितना हो गया 27 यानी कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या हो गए अपोजिट हो गए अपोजिट हो गए ये दोनों आपस में ऐसे ही इसको देख लेते हैं सी कितना है आपका थ्री सी कितना है कौन से स्थान पर आता है थ्री पे तीन नंबर पे और एक्स आपका आता है चौबीस नंबर पर तो चौबीस और तीन कितने हो गए सत्ताईस ये भी बिल्कुल सही है ऐसे ही ये कितना है चार और ये तेईस तेईस और चार कितने हो गए सत्ताईस ये भी बिल्कुल सही है यानी कि ये कौन सी सीरीज चल रही है आपको बस यही पकड़ना है कि ये किस सीरीज के अकॉर्डिंग है तो आपको पता है ये दोनों आपस में अपोजिट है ये दोनों आपस में अपोजिट है वैसे ये दोनों आपस में अपोजिट है एक ये दोनों भी आपस में अपोजिट है एक और कॉम्बिनेशन बन रहा है कि ए के बाद यहाँ पे बी है यहाँ पर सी के बाद डी है एक ऑप्शन को छोड़कर ठीक है यहाँ पर क्या दिया हुआ है ई e के बाद पी दिया हुआ है ई पांच नंबर पे है छः पे क्या आना चाहिए एफ ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया गलत हो गया यानी कि यही ऑप्शन क्या है विषम ये ऑप्शन क्या है आपका विषम और यहाँ पे जी के बाद एच आया हुआ है ठीक है और ये दोनों जोड़ेंगे हम तो ये कितना है सेवन और टी कितना होता है आपका टी कितना होता है ट्वेंटी तो ट्वेंटी और ट्वे सेवन कितना हो गया ट्वेंटी सेवन ऐसे ही एच हाँ आपके एट एट प्लेस पे आता है और एस आपका आता है उन्नीसवें नंबर पर इन दोनों को आप जोड़ेंगे कितना हो गया सत्ताईस यानी कि ये तीनों तो एक जैसे हैं लेकिन ये क्या है ये आपका अलग है ये आपका अलग है क्योंकि ये वाली वैल्यू आपकी फॉलो नहीं कर रही है ये सिक्सटीन नंबर पे आता है ये बीस नंबर पे आता है इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया छत्तीस जो कि हमारा मैच नहीं कर रहा है तो इस प्रकार के ऑप्शन को हम कैसे करेंगे चारों ऑप्शन को हमको जो है ए बी सी डी की वैल्यू पता होगी प्लेस वैल्यू को रखकर उनका संबंध ढूंढने की कोशिश करेंगे तीन ऑप्शन का संबंध एक जैसा होगा तीन तीन ऑप्शन एक जैसे रखे होंगे कोई ना कोई सीक्वेंस मै, मैच कर रही होगी और चौथा जो ऑप्शन होगा उसकी सीक्वेंस मैच नहीं कर रही हुई आपको उसी को पकड़ लेना है और उसी को क्या कर देना है आंसर उसी को हम आंसर कर देंगे अब चलेंगे हम अगले प्रश्न की ओर यहां पर दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विलुप्त पद को ज्ञात करना है इस प्रकार का जब आपको क्वेश्चन मिले विलुप्त पद को ज्ञात करने वाला तो आपको सिंपल इन इसका 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 रिलेशन ढूंढना है रिलेशन का मतलब क्या है कि जिस चीज में जुड़ के घटके कैसे भी क्या करके अगली वाली सीरीज बन रही होगी ठीक है अगली वाली सीरीज बन रही होगी उसी प्रकार से ये वाली बन रही होगी इस इस दोनों में एक ही तरीका तरीका अपनाया गया होगा ठीक है उसी तरीके से हमको ये वाला ऑप्शन लेकर आना है ये वाला ऑप्शन लेकर आना है अब हम मैंने सबसे पहले बताया था कि उसकी प्लेस वैल्यू रख देंगे तो ए कौन से नंबर पे आता है वन पे ऐसे ही जी कौन से पे आता है सेवन पे यानी कि इन दोनों में। इस प्रकार के क्वेश्चन में हमने क्या करना है सबसे पहले इनकी वैल्यू लिख लेनी है ए की वन हो गई जी की सेवन हो गई एम की कितनी होती है तेरह अब आपको देखना है कि इन तीनों में कोई संबंध बन रहा है क्या यानी कि एक सात और तेरह में आपको संबंध देखना है ए जी एम में आपको संबंध निकालना है तो अगर मैं इसमें छ जोड़ दू मान लो एक में छह जोड़ दू तो सात बन रहा है ऐसे ही सात में छ जोड़ूं तो कितना बनेगा छह दून बारह और तेरह यानी कि अगली संख्या भी क्या होनी चाहिए छ प्लस होके आएगी तेरह में मैं छह जोड़ूंगा तो कौन सी संख्या आएगी उन्नीस नंबर उन्नीस नंबर किसके लिए किसके लिए उपयोग होता है एस के लिए एस कितने पर आता है उन्नीस पर अभी चारों ऑप्शन में से तुम्हें देखना है कि एस कौन से में आ रहा है दो ऑप्शन में एस आ रहा है ठीक है यानी कि दो ऑप्शन आपके कैंसिल हो गए दो ऑप्शन आपके क्या हो गए कैंसिल हो गए तो कौन सा बच्चा पहली प्लेस पे कौन क्या आना चाहिए एस इसमें कौन सी प्लेस पे आ रहा है एस दूसरे पर ये भी आपका गलत हो गया यहाँ पर तो आपका क्या आएगा एस तो ये पहला वाला जो ऑप्शन है आपका वो क्या हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर ठीक है या? यानी कि एस एच क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उसी प्रकार से आगे देखते हैं आगे आपका प्रश्न पूछा है आगे प्रश्न आपका क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिए गए शब्द एग्जामिनेशन के एग्जामिनेशन के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता आपको दिया हुआ है एग्जामिनेशन यहां पे लिख लेते हैं एग्जामिनेशन ये वर्ड आपको दिया हुआ है इसमें अब आपको ये देखना है कि इसमें कौन कौन से वर्ड दिए हुए हैं जो इसमें मैच कर रहे हैं एक ऑप्शन आपका कैसा दिया हुआ होगा उसमें उसमें कुछ अलग दिया हुआ होगा जो इसमें नहीं है तो आप चार ऑप्शन देखिए और बताइए कौन से ऑप्शन में अलग जो है ऑप्शन है जिसमें इसमें वो वर्ड नहीं है वो ऑप्शन में है दिया हुआ है तो यहाँ पे देख लेते हैं हम एन ए टी आई टी ओ एन एन ए टी ओ एन तो यहाँ पे दोनों अक्षर ये मैच कर रहे हैं एन ए टी ओ एन यानी कि ये वाला ऑप्शन तो आपका सही है यानी कि ये तो ऑप्शन होगा नहीं ऐसे ही इसे देख लेते हैं टी ओ एन आई तो यहाँ पे टी आपका वो दिख दिया है ओ ये है एन ये है और आई भी यहाँ पर दिया हुआ है यानी कि ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा हमें क्या कौन सा ऑप्शन देखना है जो नहीं बनाया जा सकता ये भी बनाया जा सकता है ये भी बनाया जा सकता है ऐसे ही एम आई एन ई इस ऑप्शन को जब भी आपको दिया गया हो इस प्रकार का क्वेश्चन तो एग्जामिनर क्या चाहता है कि आप अपना थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट करें ठीक है टाइम आप थोड़ा बहुत इसमें लगाएं ठीक है जिससे कि आगे आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत होगी इसीलिए अब अगर आप टाइम को सेव करना चाहते हैं तो इसको हमेशा पीछे की तरफ से करें लास्ट वाले ऑप्शन की तरफ से अगर आप करेंगे तो ये जल्दी हो जाएगा क्योंकि अगर डी ऑप्शन होगा या सी ऑप्शन इसका ज़्यादातर रहता है तो इसमें हम डी ऑप्शन देखें अगर तो टी ई आर एम इसमें दिया हुआ है इसमें से टी भी है टी तो दिया हुआ है ई दिया हुआ है ई भी दिया हुआ है इसके बाद हम देख लेते हैं आर दिया हुआ है आर इसमें एग्ज़ामिनेशन में नहीं दिया हुआ है ठीक है तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा डी यानी कि डी ऑप्शन जो है इसके थ्रू नहीं बनाया जा सकता क्योंकि आर जो स्पेलिंग है वो मान लो इसमें नहीं है ठीक है जैसे आप हैप्पी बर्थडे वाला पूरा वो बर्ड्स का लेके आते हैं सीट उसमें से हैप्पी बर्थडे अपना नाम बनाते हैं वैसे ही मान लो आपको एग्जामिनेशन की सीट दी हुई है इन अक्षरस की उनसे आपको ये चार अक्षर बनाने हैं तो ये तीनों अक्षर तो आपके बन गए ये वाला अक्षर आपका नहीं बनेगा ये वाला आप, आपका अक्षर है नहीं बनेगा क्योंकि इसमें आर है और इसमें आर नहीं है ठीक है तो ये समझ गए होंगे आप इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है अगला प्रश्न आपको दिया हुआ होता है दिया हुआ है इस टाइप का इस टाइप के प्रश्न को क्या करना है आपको इसमें कह रहा है कि इसको व्यवस्थित क्रम में रख करना है आपको सही व्यवस्थित क्रम में सही व्यवस्थित क्रम क्या होता है मतलब मान लो शुरू से अंत तक जो प्रक्रिया चलती है इसमें शहद और मक्खी यानी कि शहद बनने की प्रक्रिया को आपको दर्शाया गया है तो इसमें क्या करना है आपको मान लो एक मक्खी या फूल से शहद बनाना है ठीक है शहद और मोम को बनाना है तो सबसे पहले क्या होता है सबसे पहले क्या होगा सबसे पहले आपको किसकी जरूरत पड़ेगी एक पुष्प की फूल होगा तभी तो उस पर क्या बैठेगी मक्खी मैंने क्या किया पुष्प की जरूरत पड़ी पहले उसके बाद क्या बैठी उस पर मक्खी मक्खी ने क्या बनाया शहद मक्खी ने क्या बनाया शहद और उसके बाद क्या बनाया मोम ठीक है यही तो तरीका होता है पहले पुष्प पे मक्खी बैठेगी शहद निकालेगी उसका शहद निकाल के निकालेगी और क्या बनाएगी मोम ठीक है तो पहले पुष्प आया फिर मक्खी फिर शहद फिर मोम अब यहां देख लेते हैं हम कौन से कौन से ऑप्शन पे ये दिए हुए हैं इसका पुष्प कौन से ऑप्शन पे है चार पर ऐसी मक्खी कौन से पर है तीन पर शहद आपका एक नंबर पर है और मोम आपका दिया हुआ है दो नंबर पर ये बिल्कुल सही सीक्वेंस आपका हो जाएगा तो चार तीन एक दो चार तीन एक दो जो होगा आपका आंसर हो जाएगा पहला गलत है चार तीन एक दो यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है ठीक है नेक्स्ट प्रश्न की ओर चल रहे हैं हम ये वाला भी देख लेते हैं इसमें ये क्या है सिटिंग अरेंजमेंट के टाइप के क्वेश्चन होते हैं ये बहुत ही साधारण सा एक प्रश्न आपको मिलेगा इसमें क्या करते हैं चार लोग या पांच लोग आपस में कैसे लाइन में खड़े होंगे या कहीं भी बैठे होंगे तो इनको क्या करना है आपको सिर्फ व्यवस्थित करना है और बिठाना है ठीक है हम देख लेते हैं कैसे चार लोग हैं राम श्याम केदार हरी आपको जो सबसे एग्जैक्ट लगे सबसे पहले आप उसको उठाएंगे जैसे मान लो यहाँ से पता चल गया आपको राम श्याम केदार और हरी चार लोग थे कोई कौन थे राम कौन कौन था राम श्याम केदार और हरि ये चार लोग थे इन चार लोगों में केदार हरि के विपरीत नहीं बैठा है यानी कि केदार जो है वो हरि के सामने नहीं बैठ सकता ये कंडीशन आपकी इसमें दी हुई है और क्या दिया हुआ है विपरीत नहीं बैठा है यहाँ से हम कोई आइडिया नहीं लगा सकते बस हमें ये पता चल गया इन दोनों को हमें अब एक दूसरे के आमने सामने नहीं बैठा है क्योंकि जो है एक गेम खेल रहे हैं तो ये आमने सामने ही तो बैठे होंगे दो, दो लोग आमने सामने बैठे होंगे दो लोग आमने सामने बैठे होंगे तो जो जो ये है, इसमें कह रहा है कि हरी जो बैठा है उसके सामने आपका हरी के सामने केदार नहीं होना चाहिए यानी कि अब दो ऑप्शन रह गए राम और श्याम इन दोनों में से कोई हरी के सामने बैठेगा यहाँ तक छोड़ देते हैं यहाँ से नेक्स्ट पढ़ते हैं हरी श्याम के दाएं बैठा है जब ये कोमा दिया हुआ होता है तो मान लो के बारे में बात हो रही है हरी के बारे में जो कोमा से पहले व्यक्ति होता है उसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं तो हरी के बारे में हम बात कर रहे हैं क्या कह रहे हैं हरी जो है वो श्याम के दाए बैठा है हम श्याम को बिठा लेते हैं कहीं हमने मान लिया श्याम यहां बैठा है ये ऐसे चारों बैठे होंगे एक यहां पे बैठा होगा एक यहाँ पे बैठा होगा एक यहां पे बैठा होगा यही तो तरीका है यही तो तरीका है अब ये श्याम बैठा है श्याम के दाएं कौन बैठा है श्याम के दाई दाहिना हाथ कौन सा होगा इधर श्याम के दाहिने कौन बैठा हुआ है आपका हरी, हरी यहाँ पे बैठा दिया के दाएं हाथ की तरफ हरी बैठ गया और अब कौन रह गया? आप? कमल, जो है केदार और हरी एक सामने नहीं है एक साथ नहीं है तो बचे कौन आपने एस बैठा दिया एच बैठा दिया एस बैठा दिया एच बैठाल दिया बचा कौन के और आर अब हम यहाँ पे के के सामने एच को नहीं बिठा सकते के के सामने एच को नहीं बिठा सकते तो बचा कौन बचा कौन आर आर को हमने यहाँ पे बिठाल दिया और यहाँ पे कौन आएगा यहाँ पे कौन आएगा आपका आर uh, हो गया के रह गया यानी कि केदार जो है श्याम के सामने बिठाल दिया और जो हरी है उसको राम के सामने बिठाल दिया केदार के सामने हरी नहीं होना चाहिए केदार के सामने हरी नहीं होना चाहिए ठीक है हमारी जो समीकरण थी वो बन गई अब वो जो पूछ रहा है हम उसके आंसर दे सकते हैं बड़े आसानी से श्याम के विपरीत कौन बैठा है यहाँ पे पूछ रहा है श्याम के विपरीत कौन बैठा है श्याम के विपरीत यानी कि श्याम या, के सामने कौन है केदार है ठीक है तो हमारा जो सही आंसर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन बी ऑप्शन क्या है केदार यहां से केदार क्या हो गया बिल्कुल राइट आंसर आगे चलते हैं आगे आपका दिया हुआ है यहाँ पर आगे क्या कह रहा है किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की पांच गुनी है मान लेते हैं एक्स है। है? तो इसके पांच गुने पांच गुने क्या होंगे लड़कियां होंगी गर्ल्स कितनी होंगी पांच गुनी किसकी एक्स की एक्स की. की क्या होंगी पांच गुनी लड़कियां होंगी अगर मैं कहूं टोटल कितने होंगे मान लो एक्स बॉयस हैं फाइव एक्स गर्ल्स हैं तो टोटल कितने होंगे ही होंगे उस क्लास में कितने भी बच्चे हों तो वो सिक्स के मल्टीप्लाई में ही रहेंगे उस क्लास में कितने भी बच्चे हों वो 6 के मल्टीप्लाई में ही रहेंगे अब हम अपना प्रश्न पढ़ लेते हैं क्या रहा है किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की पांच गुनी है हमने लिख लिया अगर बॉयज की संख्या एक्स है और गर्ल्स की क्या है पांच एक्स है यहाँ तक तो क्वेश्चन हो गया अगला कह रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या कक्षा के कुल बच्चों की संख्या नहीं होगी वो ये कहना चाह रहा है कि ये जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से आपको बताना है कि कक्षा में कितने विद्यार्थी जो है वो नहीं हो सकते हैं अब हम कैसे पता लगाएंगे कि कितने विद्यार्थी हैं या नहीं है तो हमें एक बात पता चल गई यहाँ से कि ये जो सिक्स एक्स दिया हुआ है यानी कि उस जो भी संख्या होगी यहाँ मान लो दो है एक्स की वैल्यू दो है तो बारह हो जाएंगे स्टूडेंट एक्स की वैल्यू तीन है तो जो है छह अठारह हो जाएंगे ऐसे ही मल्टीप्लाई में रहेंगे वो सिक्स के ठीक है सिक्स के मल्टीप्लाई में ही होंगे बच्चे तो पहला ऑप्शन क्या है चौबीस चौबीस कितना होता है छह चौक चौबीस होता है यानी कि पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया ऐसे ही दूसरा ऑप्शन छ छ पंजे तीस यानी कि यह भी गलत हो गया छह सत्ते कितना होता है बयालीस ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया क्या पैंतीस हो सकते हैं उस क्लास में बच्चे क्या पैंतीस हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं क्यों क्योंकि पैंतीस छः के छ का गुण नहीं है यानी कि छ के पारे में पैंतीस नहीं आएगा कभी भी तो पैंतीस क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही आंसर क्योंकि बच्चों की ये संख्या नहीं हो सकती उस क्लास में क्योंकि बच्चों की संख्या जो है वो x प्लस और फाइव एक्स के रेशियो में ही रहेगी अगर आप एक लड़का लाएंगे एक लड़का लाएंगे तो पांच लड़की होंगी उस क्लास में अगर आप दो लड़के लाएंगे तो दस लड़कियां हो जाएंगी उस क्लास में ठीक है तो अगर एक लड़का पांच लड़की तो छह हो गए दो लड़... दो लड़के और दस लड़की तो बारह बच्चे हो गए यानी कि ऐसे ही चलता रहेगा छः धूनी बारह अठारह ठीक है, छे, छे, है।, है? जो भी है छह दूनी अठारह छः के गुण जो होंगे मल्टीप्लाई में चलते रहेंगे अगला जो प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है अगला प्रश्न आपका कह रहा है एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक प्रश्न आपका ब्लड रिलेशन का जो है रहने वाला है इस प्रकार के जो प्रश्न है इन्हें क्या कहते हैं ब्लड रिलेशन ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन में क्या करना है हमें ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन में क्या करना है आप सीधे अपने घर चले जाएंगे ठीक है घर घर पर आप क्या है घर वाले जो रिश्ते चलते हैं उसी प्रकार से इनको निकालेंगे ठीक है जो आप लोग बैठ के निकालते हैं रिश्ते वही आपको यहाँ पे निकालना है अब हम यहाँ पे क्या दिया हुआ है एक लड़का है एक लड़के की ओर इशारा कर रहा है कौन कर रहा है रीना रीना क्या कर रही है रीना एक लड़के की ओर इशारा कर रही है मैं एक नाम पता चल गया रीना कोई लड़की है वो एक लड़के की ओर इशारा कर रही है कह रही है मेरे दादाजी की इकलौती संतान यानी कि रीना के दादा यानी कि इसके पिताजी के पिताजी तो हुए दादा इसके पिताजी के पिताजी कौन हुए इसके दादा उनकी इकलौती मेरे दादाजी की दादाजी की इकलौती संतान इसके जो बाबा है उनके सिर्फ एक ही संतान है तो कौन हुआ इसका इसके पिताजी तो हुए वो इकलौती संतान अब इसके आगे कह रहा है का इकलौता पुत्र अब रीना तो क्या है बेटी है इसको नेगेटिव कर देंगे बेटी है इस पर साइन बना लेंगे लेकिन एक इकलौती इकलौती संतान इकलौता पुत्र है कौन वह लड़का जिसकी ओर वो इशारा कर रही है एक लड़का है जो कौन है इसके दादाजी के इकलौते बेटे का बेटा है ठीक है यहाँ तक पूरा क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व अब हम देख लेते हैं वो क्या कह रहा है रीना का उस लड़के से संबंध आपको बताना है अब रीना का इससे संबंध क्या होगा रीना के दादा और रीना के जो पिताजी हैं उनका पुत्र रही है। तो रीना का कौन हुआ भाई हुआ यानी कि रीना उसकी कौन हुई इस लड़के की बहन बी ऑप्शन क्या है आपका बिल्कुल सही आ, आंसर हो जाएगा नेक्स्ट अगला प्रश्न हमारा चौबीस नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है यदि ए का अर्थ प्लस है यहाँ पे अलग अलग साइंस साइन दिए हुए हैं अलग अलग नंबर्स के लिए ठीक है जैसे ए के लिए दिया हुआ है ए का अर्थ प्लस है वैसे ही बी का अर्थ दिया हुआ है गुणा है बी का अर्थ क्या है गुणा सी का अर्थ क्या है भाग सी का अर्थ आपको दिया हुआ है भाग ठीक है और डी का अर्थ आपको दिया हुआ है नेगेटिव तो पूछ रहा है निम्नलिखित समीकरण का मान बताइए यहाँ पे नीचे जो समीकरण दी हुई है इसका आपको क्या बताना है मान बताना है हमको क्या करना है इस क्वेश्चन को हम उतार लेते हैं सीधे नो ठीक है अब हम यहां से देखेंगे कि ए की जगह क्या क्या आएगा तो ए का अर्थ जो है वो प्लस दे रहा है 9 प्लस लिख लिया ऐसे ही अगला जो है वो उतार लिया हमने टू यहाँ पे क्या दिया है बी बी का बी का अर्थ क्या है गुणा हमने यहाँ पे गुणा का साइन लगा दिया बी के बाद क्या है सिक्स ठीक है छः उतार लिया यहाँ तो हो गया अब इसके बाद क्या दिया हुआ है डी डी का अर्थ क्या है यहाँ पर डी का अर्थ निगेटिव है ठीक है डी का अर्थ माइनस है डी हो गया उसके बाद क्या है चार दिया हुआ है चार को हमने उतार लिया उसके बाद सी दिया हुआ है सी का अर्थ क्या है भाग सी का अर्थ क्या है भाग है ऐसे ही यहाँ पे टू ये अपना उतार लेंगे ठीक है इसके बाद हम क्या लगाएंगे इसमें बॉड मास अब हमारी क्या आ गई इक्वेशन आ गई ठीक है तो इस प्रकार की इक्वेशन में हम क्या करते हैं सबसे पहले हम सबसे पहले इसमें भाग को सॉल्व करते हैं ठीक है हम किस इसमें सबसे पहले भाग को सॉल्व करते हैं फिर गुणा को सॉल्व करते हैं ठीक है तो हम यहां से सबसे पहले भाग को सॉल्व कर लेंगे नौ प्लस दो गुणा छ माइनस चार बटे दो यहां से दो आ गया ये ठीक है अब क्या करना है हमें नौ बराबर में प्लस गुणा को सॉल्व कर लेते हैं हम क्या दिया हुआ है छह दुनी बारह माइनस क्या कर देंगे हम यहां से दो यानी कि बारह में से हम दो घटाएंगे अब अब इसके बाद माइनस को सॉल्व कर लेंगे तो बारह में से दो गए तो कितने बचे यहाँ पे दस नौ प्लस दस नौ प्लस दस कितना हो गया आपका उन्नीस यहां से उन्नीस क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ठीक है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम नेक्स्ट आपका प्रश्न दिया हुआ है नेक्स्ट <clears> प्रश्न <throat> आपको क्या दिया हुआ है अक्षरों का एक ग्रुप दिया हुआ हो हुआ है आपको अक्षरों का ग्रुप दिया हुआ होगा आपको इस प्रकार से इसको आपको जो है क्रमवार रखने से एक अक्षर श्रृंखला को पूरा करना है इसका आंसर जो है इसी में आपको दिया हुआ होगा इस प्रकार के प्रश्न को आपको करने के लिए सबसे पहले एक चीज करनी होगी इन सभी अक्षर को इसमें जितने अक्षर फिल होंगे उसको हम क्या कर लेंगे काउंट कर लेंगे तो पे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह कितने अक्षर हैं इसमें बारह अक्षर अब देखो बारह को बारह को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं चार गुणा तीन कितना होता है बारह यानी कि चार 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 को तीन बार हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा बारह और अगर तीन 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 को चार बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा बारह तो यहाँ पर जो है ये जो जी है वो कितने अक्षर के बाद रिपीट कर रहा है हमको ये देखना है एक दो थीन. तीन तीन अक्षर के बाद यहाँ पे ये रिपीट कर रहा है तो तीन अक्षर के बाद आप क्या लगा देंगे एक स्लैश लगा देंगे ऐसे ही एक दो तीन यहाँ पे तीन अक्षर के बाद क्या करेंगे आप स्लैश लगा देंगे एक दो तीन यहां पर लगा दिया ठीक है अब ये तीन तीन के भागों में डिवाइड हो गए एक दो तीन चार ऑप्शन जो है तीन तीन के भागों में डिवाइड हो गए जब इस प्रकार से तीन 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 के भाग में डिवाइड हो जाए उसके बाद आपको देखना है कि यहाँ पे दूसरे ऑप्शन पे क्या दिया हुआ है एच ठीक है तो यहां पे सब जगह क्या आएगा आपका एच आएगा यहाँ पर एच आएगा यहाँ पर पहले से और यहाँ पर भी एच आएगा अब आपको देखना है लास्ट में क्या दिया हुआ है हाँ लास्ट में आपको आई दिया हुआ है तो यहाँ पर भी कितना आएगा आई यहाँ पर भी कितना आएगा आई यहाँ पर भी आई अब ये एक श्रृंखला बन गई कौन सी जी एच आई 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 ये एक श्रृंखला को रिपीट कर रहा है ठीक है हमारी श्रृंखला बन चुकी है अब उसमें जो ऑप्शन है वो आपको क्या लिखना है जो आपने फिल किए हैं उनको एक तरफ लिख लेते हैं हम पहले में क्या है H फिर क्या है I उसके बाद फिर से H फिर से I इसके बाद I इसके बाद H ठीक है यानी कि H I H I I H I H I I H ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है ये वाला जो क्वेश्चन है आपका ये कह रहा है कि कौन सी कॉन्शियसली को ये क्या लिखा हुआ है पी ई एन बी एन पी जे ई एक्स एन के एम ये इस तरीके से लिखा जाता है तो वो पूछ रहा है सोइल को किस प्रकार से लिखा जाएगा आपका प्रश्न क्या है इस शब्द को इस तरीके से उसने लिख रखा है और इसको वो किस प्रकार से लिख सकते हैं ये पूछ रहे हैं हम प्रश्न को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं छोटा कर देते हैं थोड़ा सा हमने प्रश्न को थोड़ा सा छोटा कर दिया अब हम क्या करते हैं ऊपर वाली स्पेलिंग को लिख लेते हैं जो आपकी दी हुई है क्या दी हुई है सी ओ एन एस सी आई ओ यू ठीक है और एस एल वाई एस एल ठीक है यही तो दी हुई है हमने इसकी पीछे वाली को ऊपर लिख दिया कोई दिक्कत इसको थोड़ा सा दोबारा लिख लेते हैं इसको यहाँ पे लिख लेते हैं सी ओ एन एस सी ओ एन एस सी आई ओ यू सी आई ओ यू एस एल वाई ठीक है इसको क्या लिखा है पी इसके नीचे क्या है पी इसके नीचे क्या है ई e, इसको ऐसे तीर बना लेते हैं पहले वो क्या कह रहा है कि इसको इस तरीके से लिख लिया है उसने पीई बी एन पी जे पी ई बी एन पी जे ई एक्स एन के एम ठीक है अब वो पूछ रहा है कि सोइल को किस प्रकार से लिख सकते हैं जिस प्रकार से ये लिखा हुआ है उसी प्रकार से सॉइल को किस प्रकार से लिख सकते हैं तो आपको ये देखना है इसमें एस को क्या लिखा हुआ है एन ओ को क्या लिखा हुआ है ई एस ओ आई एल आई को क्या लिखा है जे और एल को क्या लिखा है के ठीक है ये चार वर्ड को आपको उसने पूछा है तो इसी प्रकार से हम इनको से रख देंगे एस की जगह क्या रखेंगे एन ओ की जगह हम रख सकते हैं ई e. आई की जगह हम लिखेंगे जे और एल की जगह हम लिखेंगे के एन ई जे के सही और जो सीक्वेंस हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा एन ई जी के यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर आगे देखते हैं आगे आपका कह रहा है कि लुप्त संख्या आपको बतानी है आपको एक सारणी आपको यहाँ पे दी गई है इसमें से आपको लुप्त संख्या बतानी है लुप्त संख्या कहाँ पर दी हुई है यहाँ पे ये वाला ऑप्शन ठीक है ये वाला ऑप्शन आपको बताना है तो इस प्रकार के प्रश्न में मैंने बताया था कि जो बड़ी संख्या है उसको लाने का प्रयास करते हैं हम छोटी संख्याओं की सहायता से तो यहाँ पे नौ में तीन जोड़ो और उसमें फिर तीन जोड़ो यानि कि नौ और पंदरे। पंदरे का स्क्वायर करो यानी कि किसी भी प्रकार से हम अगर इस इन तीनों को जोड़ेंगे और उनका स्क्वायर करेंगे तब इक्यासी नहीं बनेगा लेकिन हमें पता है नौ की गुणा तीन से करेंगे सत्ताइस और सत्ताईस इक्यासी यानी कि इन तीनों अक्षरों की अगर मैं गुणा कर दूं तो नीचे वाली संख्या मुझे प्राप्त हो रही है अगर यही यहाँ पे फॉलो कर रहा है तो हमारा क्या है ऑप्शन बिल्कुल सही है तो ग्यारह अट्ठे क्या होता है सोलह चार यहाँ पे क्या करेंगे ग्यारह चौक चवालीस ठीक है ग्यारह चौक चवालीस करेंगे और चवालीस की गुणा चार से हम जब करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा एक हमें कितना प्राप्त होगा एक अब तेरह की गुणा सात से करते हैं ठीक है और उसके बाद उसकी गुणा किससे करेंगे हम पांच से करेंगे तो इसका जो सही आंसर हमारा कितना हो जाएगा इन दोनों की गुणा कितनी आएगी आपकी पैंतीस और ये कितना है तेरह यानी कि तेरह ये कितना दिया हुआ है यहां पे? पैंतीस और यहां पे कितना है तेरह इसकी गुणा जो हम करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका आपका आ जाएगा चार सौ पचपन ठीक है तेरह गुणा पैंतीस आपका कितना आ जाएगा चार सौ पचपन चार पचपन आपका कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है चार पचपन आपका दिया हुआ है सी नंबर ऑप्शन सी ऑप्शन आपका कितना दिया हुआ है चार पचपन तो ये सी ऑप्शन का क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया हुआ है नेक्स्ट प्रश्न ट्वेंटी नंबर प्रश्न है आपका इसमें क्या है एक आकृति को एक आकृति को फोल्ड किया गया है इस टाइप से पहले उसको इस इधर मोड़ा फिर मोड़ने के बाद उसको नीचे की तरफ मोड़ा ठीक है और उसको यहाँ पर और यहाँ पर काट दिया गया है दो बार क्या है काट दिया गया है ठीक है अब वो पूछना चाह रहा है कि इनमें से ये काटने के बाद ये कलाकृति जो इनने की है उसके बाद क्या इन्हें जो है प्राप्त होगा ठीक है तो यहाँ पे हम आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा तो आपने देखा यहाँ पे इसने कोने पे काटा है जब मैं इसे खोलूंगा तो यहां पर भी कटा हुआ होगा जब मैं इसे खोलूंगा तो यहां पर भी कटा हुआ होगा यहां पर भी कोने पर चार जगह कटा हुआ होगा यानी कि ये ऑप्शन और ये ऑप्शन आपका क्या हो गया बिल्कुल गलत हो गया बचे दो ऑप्शन ये भी कोने पे कटा हुआ है दो बार ये भी कोने पे कटा हुआ है अब यहाँ पे देखिए आप गोल कटा हुआ है यानी कि बीच में क्या होगा गोल होगा तो ये डी ऑप्शन क्या है आपका बिल्कुल मैच कर रहा है डी ऑप्शन आपका बिल्कुल मैच कर रहा है तो यहां पर आप क्या लगा देंगे डी ऑप्शन सही कर देंगे अब नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न में मैं भी क्या करना है आपको ये आकृति दी हुई है और इसको आपको फाइंड करना है ठीक है आकृति आपको दी हुई है इसको आपको फाइंड करना है कौन सी आकृति दी हुई है ये ये आपको देखना है इन चारों में से कौन से में है ठीक है कौन से में ये आकृति है तो यहाँ पे आप यहाँ पे क्या है इसमें से बीच में से ये निकली हुई है ठीक है और यहां पर क्या है ये वाली जो आकृति है वो बी ऑप्शन में दिखाई दे रही है क्या सी में भी बीच से निकली हुई है और इसमें भी बीच से निकली हुई है तो ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा इसमें भी बीच से निकली हुई है तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा इसमें जो बीच बिल्कुल बीच से निकली हुई ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी देखो यहाँ पे ये वाली ये गोल चक्कर बना हुआ है और उसके बाद ये खिंचा हुआ है ऐसे ही ये यहाँ पे बना हुआ है और ये खिंचा हुआ है ये बिल्कुल सेम इसकी तरह दिख रही है नहीं दिख रही है तो ये जो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा अगले प्रश्न की ओर चले आपके बीस प्रश्न तीस प्रश्न हो गए उनतीस हाँ तीसवा प्रश्न है आपका तीसवा जो प्रश्न है इसमें भी आपको आकृति दी हुई है ठीक है आकृति आपको एक दी हुई है अब आपको बताना है इनमें से कौन सी आकृति इसमें बिल्कुल फिट बैठेगी ठीक है यही तो आपको बताना है अब आप देखिए इसमें ये बीच में से कटा हुआ है इसमें ये बीच में से कटा हुआ है यानी कि ये ऑप्शन आपका गलत हो गया ये उल्टी है ठीक है ये भी आपकी गलत हो गई इसमें आपको चौकोर नहीं है और ये बिल्कुल साइड से है लेकिन यहाँ पे बीच में है ठीक है तो ये त्रिभुज वाला ऑप्शन इसमें भी गलत है तो डी ऑप्शन भी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा सही ऑप्शन जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा बी ठीक है बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ठीक है तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं और इसके जो आपको प्रश्न है सारे जो है आपको हल करने हैं और बढ़िया से नोट डाउन करने हैं ठीक है नेक्स्ट प्रैक्टिस प्रैक्टिस सेट से आप जुड़ेंगे इसी प्रकार से हमने तीस प्रैक्टिस सेट ये कराई